नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल औषधि एंड हेल्थ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे लाइसोफ्लाम टेबलेट के बारे में। यह जो टेबलेट है दोस्तों, दर्द की बहुत ही बेस्ट टेबलेट है। आज हम इसी टेबलेट के बारे में आपको जानकारी देंगे। इस टेबलेट का जो है यूज किन किन रोगों के लिए किया जाता है, इसमें कौन सा कंटेंट मिलाया गया है, इसके डोज के बारे में बताएंगे। आप दोस्तों इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के और लास्ट तक देखें, तभी आपको लाइसोफ्लाम टेबलेट के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर रोजाना दवा, घरेलू नुस्खे और हेल्थ टिप संबंधी जानकारियाँ मिलेगी। अब बात करते हैं लाइसोफ्लाम टेबलेट के बारे में। यह जो टेबलेट है दोस्तों, आपको एक स्ट्रिप में 10 टेबलेट मिलेगा और इस 10 टेबलेट का जो प्राइस है दोस्तों, आपको मार्केट में जो है 100 रुपये के आसपास मिल जाएगा। यह दवा आपको सभी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। इस दवा को जो है कैचेट फार्मा कंपनी बनाती है। दोस्तों इसके कंटेंट के बारे में जान लेते हैं, इसमें कौन सा कंटेंट मिला हुआ है। इसमें जो है 4 कंटेंट मिले हुए हैं, डाइक्लोफेनेक सोडियम, पैरासीटामॉल, ट्राइप्सिन और काइमोट्रेप्सिन। ये जो है 4 ड्रग्स इसमें मिलाकर इस दवा को बनाया गया है। अब इस दवा का जो है यूज़ करने से पहले आप डॉक्टर से सलाह लें और किसी भी दवा का सेवन करने से पहले उसका एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। बात करते हैं दोस्तों इसके यूज़ के बारे में। इसका यूज़ जो है किन किन रोगों के लिए किया जाता है। यह जो है दांत दर्द में यूज होता है, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द हो रहा हो, गठिया में होने वाले दर्द में, माइग्रेन, फ्रैक्चर के बाद होने वाले दर्द में, पैरों में दर्द हो रहा हो, साठिका का दर्द हो, बुखार में, इन सब जैसी समस्या में इस दवा का जो है यूज़ किया जाता है। इसके डोज के बारे में बात करते हैं। इसे जो है एडल्ट दिन में 2 टेबलेट एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद ले या डॉक्टर के सलाह के बाद ही इस दवा का सेवन करें। इस दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे उल्टियाँ मितली हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, सीने में जलन हो सकता है, भूख में कमी आ सकती है या फिर आपके शरीर पर जो है लाल दाग निकल सकते हैं, ऐसी समस्या हो सकती है। अगर आपको इसमें से कोई भी समस्या लगे तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।